नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रोहिंग्या शरणार्थी नहीं घुसपैठिए हैं, इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाना गलत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला, 2 नागरिकों की मौत, बाल बाल बचे मंत्री नईम अख्तर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय का बड़ा झटका, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और मुहर्रम एक साथ न होने संबंधी फैसले को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक सरकार जल्द पारित करे। तेलंगाना में अब शराब खरीदने के लिए भी लगेगा पहचान पत्र, राज्य के आबकारी विभाग ने बनाया नियम। दिल्ली हवाई अड्डे पर मिला संदिग्ध विस्फोटक, पावर बैंक निकला, NIA को सौंपी जाँच। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का संघ और भाजपा पर परोक्ष हमला, कहा विभाजनकारी ताकतें देश की छवि खराब कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत ले जा रहे वाहन ने 3 लोगों को कुचला, 1 की मौत। गुजरात के समुद्री तट पर मिली 30 फुट लंबी व्हेल मछली, मछुआरों ने बचाया। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।